कल के मैच के लिए नेपाल टीम का क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है सिंगापुर के खिलाफ? कल T20 क्वालिफायर मैच का पहला मुकाबला होने वाला नेपाल वर्सेज सिंगापुर का, तो उसका क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है, किन किन खिलाड़ी को मौका मिल सकता है गाइस? और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो संदीप लामिछाने टीम में आ चुके हैं, जो कि हर कोई चाहता था, मोंटी देसाई चाहते थे, रोहित पौडेल चाहते थे, हर कोई चाहता था संदीप लामिछाने टीम में आना चाहिए, टीम में उनको आना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब संदीप लामिछाने आ जाते हैं टीम में तो टीम बहुत बैलेंस दिखने लगता है, स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा हो जाता है, ऑलराउंडर भी है, प्लेइंग 11 भी अच्छा खासा बन जाता है, क्योंकि संदीप लामिछाने ऐसे एक लौते खिलाड़ी है गाइस कि टी ग्राउंड में अच्छा उनका शानदार रिकॉर्ड है, तो आई होप अच्छा है कि वो आने के बाद नेपाल टीम बैलेंस हो, और मोंटी देसाई रोहित पौडेल भी बोले उनके आने से टीम बहुत मजबूत हो जाएगा, उनके आने से टीम बहुत हैप्पी है, रोहित पौडेल और मोंटी देसाई भी बोले हैं। तो गाइस बिना देरी किए जान लेते हैं किन किन खिलाड़ियों को कल मौका मिल सकता है, जो कि बहुत अहम मैच है, नेपाल चाहेगा कि जीत से शुरुआत करे यह टूर्नामेंट सिंगापुर के खिलाफ। तो गाइस बिना देरी किए वीडियो कर लीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा, जब आप मेरे हमको सपोर्ट करोगे तभी जाके अच्छे से वीडियो डाल सकता हूँ। सब्सक्राइब करने के लिए आपको पैसा तो नहीं लगता, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो उसके लिए मेरे को अच्छा लगता है कि चलो यार गाइस बहुत लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो बिना देरी के सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, किन किन खिलाड़ी को मौका मिल सकता है कल के मैच में? कुशल बोर्तेल और आसिफ शेख को अपनी को मौका मिलेगा, क्योंकि लगातार खेल के आ रहे हैं, ये दोनों पे बहुत जिम्मेदारी रहेगा, कंधे पे बहुत जिम्मेदारी रहेगा कुशल बोर्तेल और आसिफ शेख को कि ओपनिंग की शुरुआत अच्छा दें, ताबड़तोड़ बैटिंग करें और लंबे पारी खेले, एक ना एक खिलाड़ी को लंबे पारी खेलना पड़ेगा कल के मैच में, या कुशल बोर्तेल या आसिफ शेख। तो ओपनिंग करते हो कुशल बोर्तेल, आसिफ शेख खेलते हो आपको दिखाई देंगे। नंबर 3 पे गाइस पौडेल कैप्टनी पारी खेल के आ रहे हैं, लेकिन हमको ट्राई सीरीज में फाइनल में हार मिला, आई होप उस हार से कुछ सीखने को मिला होगा, और रोहित पौडेल कैप्टनी पारी खेले जो ट्राई सीरीज में शानदार फॉर्म लगा था, उसी फॉर्म को कैरी करके उनको ये T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शुरुआत करना है, कैप्टनी पारी भी खेलना है, खिलाड़ी को मैनेज भी करना है। तो नंबर 4 पे कुशल मल्ला, कुशल मल्ला कुछ मैच में अच्छा करते कुछ मैच में अच्छा नहीं करते, बहुत अच्छा प्लेयर हैं, शानदार प्लेयर हैं, और लंबे लंबे छक्के मारते हैं, अकेले के दम में मैच जिताने की क्षमता रखते हैं, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, हर मैच में उनको रन बनाना पड़ेगा, एक दो मैच में रन बना दिए, 5-6 मैच में रन नहीं बनाओ तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको हर मैच में रन बनाना पड़ेगा। तो नंबर 4 पे कुशल मल्ला पे जिम्मेदारी रहेगा, मिडल में आके नेपाल टीम को मैच जिताएं और लंबे पारी खेले। नंबर 5 पे दिवंदर सिंह एदी नेपाल के एक ऐसे लौते खिलाड़ी हैं, ऐसे एक ऑलराउंडर हैं कि बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, और फील्डिंग शानदार है, रनआउट हर किसी को याद होगा, यूएई के खिलाफ जो रनआउट किए थे हर किसी को याद होगा, दिवंदर सिंह एदी शानदार प्लेयर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी शानदार है, लेकिन उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उनको मिडल में आके जो फिनिशर का रोल दिया गया है वो खूब अदा तो कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनल मैच हुआ था उसमें अच्छा कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, तो आए उसको भुला के ये जो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो रहा है सिंगापुर के खिलाफ फिनिशिंग का रोल अदा करें, लंबे लंबे छक्के मारे और नेपाल टीम को मैच जिताएं दीपेंद्र सिंह एदी। नंबर 6 पे गुलशन झा को ऑलराउंडर है, गुलशन झा जो कि वो ग्राउंड बहुत पसंद आता है गुलशन झा को, गुलशन झा बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेते हैं, लेकिन लास्ट मैच में उतना खास कुछ नहीं कर पाए थे फाइनल में, आई होप अब ये जो मैच है सिंगापुर के खिलाफ वो बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग से नेपाल को मैच जिताए, बॉलिंग शानदार की है फिर कुछ बैटिंग में उतना खास नहीं दिखा पाए, बैटिंग उतना खास कर नहीं पाए, लेकिन इनके टैलेंट है, इनको दारोमदार रहेगा कि बॉलिंग और बैटिंग करो नेपाल टीम को मैच जिताए। नंबर 7 पे गए सोमपाल कामिल हर किसी को मालूम है गाइस, वो हार्दिक पांड्या में बोलता हूँ, नेपाल के बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेते हैं, नेपाल टीम को बैलेंस देते हैं, जो कि वो कभी नंबर 3 पे भी आ जाते हैं, हो सकता है कल के मैच में नंबर 3 पे खेलते हो आपको दिखाई दे, करण कैसे नंबर 8 पे खेलते हो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कर लेते हैं बैटिंग भी कर लेते हैं, पूरा जिम्मेदारी रहेगा, नया बॉल से विकेट लेके दे और नेपाल टीम को मैच जिताए। नंबर 9 पे गाइस हर किसी को मालूम है, जो हर कोई इंतजार कर रहा था कि नंबर 9 पे उनको खल रहा था, उनके वजह से नेपाल टीम को फाइनल में हार मिला है संदीप लामिछाने, आई होप संदीप लामिछाने ब्रेक से आ रहे हैं, जिम्मेदारी लें, विकेट लेके दें, नेपाल टीम को मैच जिताएं, जो कि उनका तनाव है उनका केस को लेके, आई होप केस से भूल के नेपाल टीम को परफॉर्म करके दें, नेपाल टीम को मैच जिताएं, इसे नंबर 9 पे मैं रखता हूं संदीप लामिछाने, बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेते हैं, ऑलराउंडर है, चाहूंगा कि नेपाल टीम के लिए परफॉर्म करे संदीप लामिछाने और नेपाल टीम को मैच जिताएं।
तो नंबर 10 पे गाइस ललित राजपंची, ललित राजपंची को खिलाना चाहिए संदीप लामे छाने के साथ। दोनों का जोड़ी बहुत शानदार है, जबरदस्त है जो दोनों खेलते हैं। तो नेपाल स्टीफ ऑलमोस्ट मैच जीतता है, जो कि टी ग्राउंड में स्पिन भी होता है, फास्ट बॉलर भी मदद मिलता है। तो मैं इसमें 3 फास्ट बॉलर रखूंगा गाइस, 1 ऑलराउंडर रखूंगा और 2 स्पिनर रखूंगा। तो ललित राजपंची को खिलाना कल के मैच में जरूरी है, संदीप लामे छाने के साथ मिडल में आके विकेट लें। तो नंबर 10 पे ललित राजपंची, नंबर 11 पे गाइस अविनाश बोहरा। अविनाश बोहरा को मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि शानदार बॉलिंग करते हैं, जबरदस्त बॉलिंग करता है, चाहे डेड ओवर हो, चाहे नया बॉल हो, चाहे मिडल में हो, चाहे पुराने गेंद से विकेट लेके देते हैं। 4 ओवर में कम रन देते हैं, 1 से 2 विकेट लेके देते हैं। तो नेपाल टीम को और क्या चाहिए यार, अविनाश बोहरा जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, शानदार बॉलिंग करते हैं, नेपाल टीम को बैलेंस देते हैं। तो गाइस ये प्लेइंग 11 द बेस्ट प्लेइंग 11 जो लगा मैं आपको बता दिया हूँ। इसमें आपको ऑलराउंडर भी मिलेंगे, फास्ट बॉलर भी मिलेंगे, स्पिन डिपार्टमेंट भी आपको अच्छा मिलेंगे और मिडल में अच्छा बैटिंग करने वाले भी आपको मिलेंगे। बिल्कुल मैं चाहूंगा ये जो 11 खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी जिम्मेदारी से बॉलिंग, जिम्मेदारी से जिम्मेदार से फील्डिंग करें और सिंगापुर को हराएं और 2 पॉइंट के साथ टॉप में रहें। और नेपाल टीम चाहेगा कि जो ग्राउंड में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, नेपाल चाहेगा, नेपाल टीम चाहेगा कि वो जीते ये टूर्नामेंट, ये फाइनल भी जीते, T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करें। जो कि आज खुद आप सुने होंगे मोंटी देसाई और रोहित पौड़ी भी बोले कि हाँ मेरा ये घर है, मैं होम जानता हूँ, मेरा होम टाउन है, मैं जानता हूँ कैसे खिलाड़ी को मैनेज करना, कैसे खिलाड़ी को खिलाना, किस प्लान से उतरना है। तो आई होप प्लान किए होंगे, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई मैच से पहले नेपाल टीम फाइनल तो UAE से हार गया, कभी कभी नीचे ऊपर तो हो जाता, दुख तो लगा हार गया क्योंकि फाइनल जीतना चाहिए था। लेकिन रोहित पौड़ेल मोंटी देसाई फुल भरोसे में है, बिलीव में है कि नेपाल टीम ये T20 वर्ल्ड कप में सब टीमों को हरा के T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेगा। तो गाइस ये बेस्ट प्लेइंग 11 था, मैं आपको बता दिया हूं 11 खिलाड़ी का मैं चेंज कर दिया हूं। आई होप यही 11 खिलाड़ी कल के मैच में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, 100% में बोलता हूं खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है और कोई बेस्ट प्लेइंग 11 बनता नहीं है, बेस्ट प्लेइंग 11 बनता था मैं आपको बता दिया हूं। तो आपको लगता है क्या गाइस, इस प्लेइंग 11 को चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपका कौन सा फेवरेट प्लेइंग 11 है, तो वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हो। आपके पास कोई प्लेइंग 11 है तो वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हो गाइस। आपको कुछ थॉट है, आना चाहते हो, राय सलाह देना चाहते हो, वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हो गाइस। अगर गाइस आप लोग वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक भी कीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 100% से आप खाली 2-3% सब्सक्राइब करते हो, खाली वीडियो देख लेते हो उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आप सब्सक्राइब करोगे तो पैसा तो नहीं लगता है गाइस, जब सब्सक्राइब करते हो तो हमको अच्छा लगता है यार कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक कियो, सब्सक्राइब कियो। तो अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।